अच्छा चलो राइड पे। मंदिर का गेट है और हम जिस रास्ते से आए हैं वो इस रास्ते से आए हैं। यहाँ पे जबलपुर दिखा रहा है 173 किलोमीटर्स, लेकिन मेरी गाड़ी का ओडोमीटर दिखा रहा है कि इट इज़ 140, वैसे 140 ही है। आई डोंट नो 173 क्यों दिखा रहा है, बट ठीक है। और गाड़ियाँ हम लोगों ने यहाँ पार्क कर दी हैं, हेलमेट प्रसाद के पास रखा हुआ है, और अब हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ। चलिए चलते हैं फिर अंदर, इन्जॉय करते हैं। ओके सो वेलकम बैक टू द चैनल, और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज डेट है 16th December 2018, और हम लोग राइड करके आए हुए हैं। रानगीर एक जगह है, सागर से थोड़ा पहले पड़े आता है, वहाँ पे हम लोग राइड करके आए हैं जबलपुर से। आई थिंक इट इज़ 140 किलोमीटर्स, और रूट तो आपने एंजॉय कर ही लिया होगा। अभी तो फिलहाल मंदिर में एंट्री कर चुके हैं हम लोग। देवी जी का मंदिर है, पहाड़ पर तो नहीं है, बट बीच में एक घाट मिला था। बाकी रूट इज़ ऑसम, वेदर इज़ ऑसम, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और बिना किसी ट्रेजेडी के हम लोग सेफली यहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों, तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। वैसे तो जगह काफ़ी खूबसूरत है, और आज संडे है, उतनी भीड़ नहीं है। काफ़ी लेट हो गया निकलते निकलते, वी हैव प्लान कि 7 बजे निकलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर डिले हुआ, मैं खुद 7:30 बजे पहुँचा। उसके बाद हमारे एक राइडर हैं, तो हमारे एक जो राइडर्स हैं वो भोपाल से आए हैं, रीजनल राइड कोऑर्डिनेटर ऑफ रॉयल एनफील्ड, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया और हमको निकलने में हो गया 9, और अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है अभी 2:00। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर के अंदर, और सबकी एंट्री हो चुकी है। सो क्यूट राइट। बच्चे हैं, और कितना ब्यूटीफुल वो बाजार है, मतलब देश में ना मतलब कला की कदर नहीं हो, चलो ठीक जो भी है, लेकिन अमेजिंग अमेजिंग आपने एंजॉय किया, अमेजिंग ब्यूटी है यार। अगर आप आते हो बरसात के सीजन में या बरसात के बाद, तो इस जगह की खूबसूरती जो है
वो अल्टीमेट रहेगी। और मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, फिर अपने फेलो राइडर्स जो मेरे साथ आए हुए हैं आज रॉयल एनफील्ड से, उनके से उनसे मिलवाऊंगा। मेरे साथ है क्रांति सर। क्रांति 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 और पुराने राइडर हमेशा की तरह बेशरम राइडर हैं इश्तियाक। कभी नहीं बहुत बहुत पुराने राइडर किसी जमाने में राइडिंग किया करते थे, बीच में संन्यास ले लिया था। आज आए हैं मिस्टर इरफान जावेद भाई, एक और बेशरम राइडर और एक नए राइडर हमारे साथ हैं सर, आपका नाम नीलेश पांडे सर, और रीजनल राइड कोऑर्डिनेटर फ्रॉम रॉयल एनफील्ड मिस्टर अनुज भट्टाचार्य। तो सर कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर नहीं, अनुज मतलब छोटा भाई होता है। ओके चलो, तो छोटा भाई हूँ आप लोग का। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारे राइडर्स भी अपने एक नंबर है और कोई हार नहीं मानते, विच इज़ द बेस्ट थिंग। और आगे भी लंबी जर्नी है, जाना है, देखना है, बहुत कुछ सीखना है। श्योर, इट्स ऑल फॉर द राइड, इट्स ऑल फॉर द फन, लेट्स राइड सेफ यार। तो मज़ा आ रहा है इस जगह पर, और जबलपुर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब इट इज़ वर्थ प्लेस। अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर हैविंग अ गुड संडे तो यहाँ पर आओ, तो वो संडे बेटर से बेस्ट हो जाएगा। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग प्लेस। तो अब बस निकलते हैं थोड़ी देर में, अभी टाइम ऑलमोस्ट 2:30 हो रहा है और अब लंच का टाइमिंग हो गया है, तो निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं फिर। और एक अमेजिंग चीज़ हो रही है कि हमारे पास कुछ बंदर आए हुए हैं, लेकिन उन बंदरों को इस कैमरे से लग रहा है डर, दे आर सो मच कैमरा कॉन्शियस। ये देखिए लंडो, ये चार जगह है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। इन लोगों को कैमरे से डर लगता है, कैमरे से डर रहे हैं ये। सो नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम रानगीर और आई थिंक यहाँ से भी लंच के लिए हम लोग रुकने वाले हैं जगह, और उसके बाद फिर देखते हैं कितने में पहुँचेंगे। अभी टाइम वैसे 2:30 ही हो रहा है, मोर देन दैट मुझे लग रहा है कि आधे घंटे में हम लोग लंच वाली जो जगह है यहाँ पर लंच करना, वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि कहाँ रेगुलर स्टॉपेज होगा। सो ऑल इज़ वेल, हम सब लंच करने के लिए और ये रहली के बाद पड़ती है। रहली से आप जबलपुर जब जा रहे होंगे तो उस जगह पर ये रेस्टोरेंट है, अभी जस्ट ओपन हुआ है और इसका नाम है होटल संघर्ष। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो आप होटल संघर्ष पर रुककर अपना लंच कर सकते हो। लेकिन अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई और वो ये कि अनुज की गाड़ी का टूट गया है क्लच वायर। मेरे पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था जो कि मैं हमेशा कैरी करता हूँ, तो प्लीज़ हमेशा याद रखिए, ध्यान में रखिए कि अगर आप जा रहे हैं तो बेसिक एक्सेसरीज होना चाहिए, एक स्पेयर पार्ट्स होना चाहिए, जिससे मेरे पास क्लच वायर हमेशा रहता है। अभी अनुज जो है वो क्लच वायर चेंज कर रहा है और तब तक हम लंच करेंगे, ऑर्डर देंगे तब तक। आपको दिखाता हूँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसे उठा सकते ना? हाँ, उठा ले। नहीं कुछ नहीं कर रहा, मैं बिखार रहा हूँ वैसे। इसने देख रहे हैं आप इसको, मेरा प्यारा दोस्त बाहर ले आ सकते है मजदार। आई जस्ट लव माई एनिमल्स, दे आर सो क्यूट। खाना है क्या? बहुत पले भाई, बहुत बहुत प्यारा है। ये मेल है और ये इसकी पत्नी है और ये सब इसके बच्चे हैं। वाओ, जस्ट अमेजिंग। ये सब चार महीने की है, एक साल। ये एक साल है और ये चार महीने। ये भी एक साल। अच्छा, तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 4:30 और हम लोग हैं होटल संघर्ष ऑन द वे। अभी लंच भी हो गया है, काफ़ी लेट लंच होता है राइडिंग में। खाना थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ क्योंकि ऑर्डर थोड़ा सा लेट दिया, फिर लेट चीज़ें आती हैं, ताज़ा बन रहा था सब कुछ बढ़िया। तो इसी के साथ अब इस राइड को यहीं करते हैं ख़त्म और समय आ गया है आपसे अलविदा लेने का। प्रोबेबली ये इस 2018 की लास्ट राइड है ऑफिशियली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ 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 राइड पे आइए और मज़े लीजिए यार, ज़िंदगी के मज़े अलग ही है। ये देखिए,
ये हमारा छोटा बच्चा है, एक छोटा सा नन्ना सा। इश्ती ने इस पर झूला ट्राई किया लेकिन ये आवाज कर गया तो इश्ती उठ गया। कल रात तक कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक से सुबह लगा कि आप जाना चाहिए, इश्तियाक का फोन आ गया, मैं तुरंत कपड़े पहना और आ गया। मंदीप सर को मिस कर रहे हैं, मंदीप सर को आवाज को मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत फेलो राइडर्स जो हैं हमारे साथ जाते हैं बहुत। बिल्कुल 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 आवाज यार, अगली बार से प्लीज ऐसा नहीं करना। चलो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय बाय, टाटा, सी यू।